महोबा के ऐतिहासिक तालाब मदन सागर कीरत सागर को पानी से लबरेज हो जाए और लोगों को पानी के लिए कोई परेशानियां न उठाना पड़े, इस मंशा से जिला अधिकारी मनोज कुमार ने महोबा न्यूज की खबर को संज्ञान में लेते हुए सलारपुर बांध में बर्बाद हो रहे पानी को इन तालाबों में पहुंचाने की कवायद तेज कर दी थी। आपको बताते चलें कि सलारपुर बांध से मदन सागर फीडर तक पहुंचने में पानी को 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं पानी तालाब में आसानी से पहुंच जाए इस मंशा से पिछले 7 वर्षों बाद सलारपुर बांध से मदन सागर फीडर तक लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि खर्च करते हुए सिंचाई प्रखंड महोबा द्वारा जिला अधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर सिल्ट सफाई कार्य को कराया गया है। अब पानी अच्छी गति के साथ मदन सागर तालाब में पहुंच रहा है, जिससे मदन सागर तालाब जल्द से भर जाएगा। उसके बाद कीरत सागर को भरने की कवायद की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा फायदा नहर के आसपास के किसानों को होगा, अब उन्हें सिंचाई के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वहीं मदन सागर और कीरत सागर में पानी भर जाने से वाटर लेवल मेंटेन के साथ साथ समय से पहले सूखने वाले पानी के स्रोत पानी देते रहेंगे। नहीं, इसके लिए मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा इस चीज को मेरे संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर जो है पता चला कि ऐसे पानी यहां आ सकता है, तो उसमें व्यवस्थाएं की गई थी। वर्तमान में नहर की सफाई होने के बाद जो है उन्हें निर्देशित किया गया है, जिससे कि हमारे जो मदन सागर है और जो दूसरे सागर है उस पानी से पूर्ण रूप से भर सकें, क्योंकि अभी पानी की दिक्कत नहीं है और पीछे बांध से पानी उस बांध पर पहुंच जाएगा, इसलिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। पानी पुनः शहर की ओर कल से शुरू हुआ है।